हाँ तो भाई साहब क्या हाँ सर, आप 12 घंटे कैसे पढ़ाई कर लेते थे? ये क्वेश्चन है स्वाति का, एंड शी इज आस्किंग कि 12 आवर्स पढ़ने के लिए आपको क्या प्रेरित करता था? रॉकेट कहाँ से लाते थे आप पढ़ाई करने के लिए? चलिए कुछ दो तीन अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार बच्चों मतलब मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे कहा कि दुष्यंत यार, तू ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ इंस्पिरेशंस तलाशा कर। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि कई मूवीज में देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं उनको मूवी में उनको फिल्म स्टार बनना होता है, कुछ बनना होता है, तो वो एक इंस्पिरेशन लेके आते हैं नो, और वो इंस्पिरेशन जो होती है ना वो उनका आदर्श बन जाती है और उनको गाइड करती है लाइफ में कुछ क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए। वीडियो इस बात पे है कि 12 आवर्स आप कैसे पढ़ाई करते थे बच्चों। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे जब मैं मतलब बहुत शर्मनाक बात है बट डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं CS फाइनल में था मतलब एग्जीक्यूटिव का एग्जाम क्लियर ही किया था और फाइनल में पहुंचा था, तो बच्चों पढ़ने का दिल तो करता था डेफिनेटली बट कम उतना मन नहीं करता था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि चल तेरे को BMW का शोरूम घुमा के लाता हूं। बच्चों मैं बोला पागल हो गया क्या? BMW यहां साला मारुति 800 खरीदने की औकात नहीं है, उधार में जीवन चलता है, पोहा खा के दिन निकालते हैं, BMW के शोरूम तू कैसे जाए, कैसे लेके जाएगा? हमारी औकात है कॉन्फिडेंस है, कपड़े देख। BMW के शोरूम तो छोड़, किसी दर्जी के यहाँ चले गए ना तो पकड़ के बोलेगा भाई कपड़े सिल लेता हूँ नए। मतलब बच्चों कहाँ से लाते इतना कॉन्फिडेंस? बट मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मयंक उसका नाम है, ही इज फ्रॉम बिहार, उसने कहा कि दुष्यंत जब तक बड़ा चीज नहीं देखोगे ना बे, जब तक तुम बड़ा चीज नहीं देखोगे ना बे, तब तक तुम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। हम तुमको बोल रहे हैं, हमारा बात मान लो। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू मयंक। सो हम उस दिन BMW के शोरूम में गए, हमारे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर थी तो हमने वो बहुत पीछे लगाई और हम पैदल चले चलते गए। बच्चों हम गए वहां पे और जाते ही साथ इंग्लिश में एक ने बात की, हेलो सर हाउ कैन वी असिस्ट यू, विच कार आर यू लुकिंग फॉर? इंग्लिश इतना इंग्लिश सुना ही नहीं था हमने पहली बार इतना सारा एक साथ। तो हमने कहा कि हम BMW BMW। सो उसको भी समझ में आ गया कि ये लोग साले उल्लू बनाने आए हैं। तो मैंने बोला, तो मेरे दोस्त ने कहा कि वी वॉन्ट टू लुक BMW 3 सीरीज और समथिंग, उसने कुछ कहा होगा उस समय, जो कार होगी मुझे याद नहीं है। सो बच्चों हमने बस हम गए और उस कार को ना हमने बस फील करके देखा। बच्चों मैं आपको बता नहीं सकता, आई डोंट नो, बट बच्चों मेरे अंदर से मतलब सोचिए मेरे पूरे खानदान में उस समय कार नहीं थी, बट मैंने जब वो कार देखी ना बच्चों मैं पागल हो गया। बच्चों मैं पागल हो गया कि क्या होती है लग्जरी, मतलब हमने अंदर से बैठ के देखा। और बच्चों उन सेल्समैन का भी बहुत धन्यवाद कि वो बहुत हमको एंटरटेन किया, उनको ही पता था हम जेन्युइन बायर्स नहीं है। फिर लेकिन उनका पेशेंस एक टाइम पे जवाब हो गया, उसने बोला कि सर मेरी मीटिंग है और अभी पूरा स्टाफ बिजी है, सो प्लीज आप शाम को या कल आना, देन वी विल हैव अ टॉक विथ यू। तो बच्चों गंदे तरीके से निकाल दिया गया हमको वहां से, मतलब लेकिन पूरा कार दिखाया। एंड बच्चों उस दिन मतलब मेरे अंदर ना लिटरली एक आग लग गई कि यार कुछ बनना है जिंदगी में, और कुछ बनने के लिए तो बच्चों कोई टैलेंट तो था नहीं अपने पास खास, पढ़ाई के अलावा सिर्फ मेहनत कर सकते थे। सो उस दिन लाइफ में एक फैसला किया बच्चों की, वो कार का जो फील था ना बच्चों कभी जा ही नहीं रहा था मन से। सो बच्चों ये इंस्पिरेशन बन गई कि यार साला कुछ बड़ा करना है यार। और ऑब्वियसली जब BMW खरीदने की हिम्मत में आएंगे तब बहुत सारी चीजें लाइफ में कर चुके होंगे, और बच्चों वहां से इंस्पिरेशन आती है, बच्चों वहां से इंस्पिरेशन आती है। सो फिर मैंने और मयंक ने कसम खाई कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार एक ऐसी जगह जाया करेंगे। फिर हमने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम जाने लग गए जहां बहुत अच्छी लड़कियां भी दिखती थी, तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट और आता था। सो वी स्टार्टेड गोइंग टू, हम वो सारी जगह जाने लगे जो हमारी औकात के बाहर थे। बच्चों एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, मगर उस समय कोई बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट था पुणे में, हम वो भी देखने गए थे जहां पे एक फ्लैट उस समय 3 करोड़ का था। बच्चों ऐसा फ्लैट था कि मैं आपको क्या बताऊं, हम वो देखने चले। मतलब हम ये जान रहे थे कि लाइफ में अगर हमने बड़ा किया तो क्या क्या चीजें हमें मिल सकती थी। बच्चों टॉमी हिल फिगर के हम जीन्स देखते थे, बच्चों उस समय टॉमी हिल फिगर का एक जीन्स आता था 12-13 हजार रुपए का, तो वो हम पहनते थे 400-500 रुपए की जीन्स बच्चों, तो हमको लगता था। और बच्चों बहुत शौक था ये सब चीजों का, ज्वेलरी के शोरूम में जाते थे, गोल्ड की चेन्स देखते थे, ब्रेसलेट देखते थे, अरे बाप रे। सो बच्चों
एक चीज याद रखिए, आप भी ऐसे शोरूम्स जाइए बच्चों, आपको बहुत भयंकर मोटिवेशन आएगा। अच्छा ये चीजें अगर आपको मोटिवेट नहीं करती तो फिर बच्चों फिर तो संन्यास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बट मेरे हिसाब से। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब देखे बिना भी रैंक लाते, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई, जो मेरे ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं पढ़ाई में, जिनको पढ़ाई के लिए किसी इंस्पिरेशन की जरूरत है। कई तो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं बच्चों, मैं उनकी कतई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन बच्चों जो रैंक वाला स्टूडेंट है अगर वो ये सारी चीज देखेगा ना, तो रैंक लगाने के बाद उसके अंदर ऐसी चीजें, ऐसी आग लगेगी साला, वो ऐसे जॉब करेगा, ऐसी मेहनत करेगा कि साला बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हेलीकॉप्टर सामने आके खड़ा होगा। बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी एक इंस्पिरेशन बनाइए, और इंस्पिरेशन आपके अगल बगल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगल बगल मतलब कि ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। कई लोग तो रोड पे कार देख के इंस्पायर हो जाते हैं, हम तो शोरूम जाते थे बच्चों। सो बड़ा सोचिए बच्चों, बड़ा सोचिए, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। शायद अगली बार मैं आपके सामने, मतलब अगली बार मतलब जब 2 साल के बाद मैं आपके सामने या 1 साल के बाद जब आपके सामने आऊं, तो हो सकता है मैंने और लाइफ में कुछ ज्यादा अचीवमेंट कर लिया। डेफिनेटली मैं वर्क हार्डवर्क कर रहा हूं, और मैं आज भी मैं लास्ट वीक रेंज रोवर विलार देके आया हूं जिसकी कीमत कुछ 1.24 करोड़ है। और डेफिनेटली मैंने टारगेट किया है कि वो कार मैं बाई नेक्स्ट ईयर खरीद लूंगा, ठीक है। सो बच्चों खैर, और हमेशा आता है कि कार से इंसान का व्यक्तित्व समझ में नहीं आता, या कोई ऐसा नहीं कि इसके पास कार है तो ये बहुत बड़ा आदमी है। बट बच्चों अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी इंस्पिरेशन है बच्चों। तो मैं चाहता हूं आप भी इंस्पिरेशन लाइफ में एक ऐसा इंस्पिरेशन बनाएं और बहुत आगे बढ़े बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हाँ तो 12 घंटे में कहां से पढ़ता था बच्चों, वो कार जब देखता था ना, तो जब पढ़ाई का मन नहीं करता था, वो कार मन में इमेजिन करता था, अपनी फैमिली को इमेजिन करता था, अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा घर इमेजिन करता था, अपने आप पढ़ाई करने में मन लगता था बच्चों। सो अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आप ये टेक्निक यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा।